परवरदिगारे पहरों परवरदिगारे पहरों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर, मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। प्याम सुबह में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन चार दिनों में हम बात करवाते हैं। कुरान करीम के मुख्तलिफ आयात पर गुफ्तगू होती है, मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम के इन आयात को हालात हाजरा से जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता दो दिन हमने रखे हुए हैं सवाल जवाब के लिए, आप और हम जानते हैं। इन दो दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात यकजा करके अपने अहद के एक मुमताज़ और महबूब मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो क्वेश्चंस, वो भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में ताकि हासिल की जाए दीनी रहनुमाई और कोई इबहाम हमारे जहनों में ना रहे। हमारा दीन बहुत आसान है, अद्दीन व युसरुन, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आसानियाँ हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मौज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक मुमताज़, मकबूल और महबूब नाम, फारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, एक दुनिया को आपने करीब से देखा, मुस्तकिल आप दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं, दौरा करते हैं और आज के जो जदीद मसाइल हैं उन पर भी आपकी गहरी निगाह, आज के जदीद मसाइल का हल भी आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जुमा और आयत नंबर 2। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। वही है जिसने उम्मीयों के अंदर एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हीं में से उठाए जो उन्हें इसकी आयात सुनाते हैं, इनकी ज़िंदगियों को संवारते हैं और इनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में पहला सवाल। एक शख्स ने नज़र मानी, अगर मेरा फलाँ काम हो गया तो एक माह का एतिकाफ करूंगा। अब काम हो जाने के बाद वो नज़र कैसे पूरी करे? क्या मुसलसल एक माह का एतिकाफ रोज़े के साथ करे या हर माह कुछ दिन के लिए एतिकाफ करे? अगर ये नियत की कि मैं सिर्फ
रातों का एतकाफ़ करूँगा तो क्या हुक्म है, और अगर ये नीयत की कि सिर्फ दिन का एतकाफ़ करूँगा तो क्या हुक्म है, क्या इस सूरत में तसलसल ज़रूरी है? ये सवाल है अब्दुस्समद साहब का। अनीक साहब, जो तफसील मेरे जहन में इस वक्त मुस्तहज़र है जी, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने ये मुतलकन कहा कि मैं एक माह का एतकाफ़ करूँगा और नज़र मानी, तो उस सूरत में उसको एक माह का ही एतकाफ़ करना है। अच्छा। और रोज़े के साथ करना है। अच्छा। अलबत्ता ये जो रात के एतकाफ़ की बात कर रहे हैं कि रात का एतकाफ़ या मैं सिर्फ दिन में रहूँ जी, तो इस किस्म का जो एतकाफ़ होता है ये मसनून एतकाफ़ कहलाता है, ये नज़र में नहीं आता। यानी कि जैसे उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर एक शख्स मस्जिद में जा रहा है तो और ज़रा तवील वक्त के लिए जाता है, या मसलन एक आदमी जैसे हम हरम शरीफ में आपने अक्सर देखा होगा लोग जाते हैं तो जैसे फजर के वक्त चले गए और कहा कि हम असर तक वहीं रहेंगे, तो इस दौरान वो नियत कर लेते हैं एतकाफ़ की, तो वो एतकाफ़ की हालत में होते हैं, सवाब मिलता है। लेकिन ये एतकाफ़ एतकाफ़ वाजिब नहीं कहलाता, लिहाजा ये एतकाफ़ उस पर हुक्म नहीं है। लिहाजा अगर इन्होंने ये नज़र मानी है कि मैं एतकाफ़ करूँगा, तो फिर एतकाफ़ का वही तरीक़ा है जो रमज़ान मुबारक में किया जाता है, और उनको उसी तरह से करना है। ये दो दो तीन तीन दिन करके ना करें, मुसलसल करें। अब ये इस पर मुनहसर है कि इन्होंने क्या अल्फाज बोले थे। अगर इन्होंने ये बात कही थी कि मैं तीन तीन दिन के एतकाफ़ किया करूँगा, 10 दफ़ा करूँगा, तो फिर वो तीन तीन दिन का एतकाफ़ करें, तो इस लिहाज से जो है वो इनको अमल कर लेना चाहिए। एक बात मैं इसमें यह भी अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि मन्नत और नज़र के हवाले से बात आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नज़र और मन्नत मान के चीज़ों को करने को पसंद नहीं फरमाया। ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का ये था कि एक आदमी गोया अल्लाह से ये कह रहा है कि या अल्लाह अगर तू ये काम करेगा तब तो मैं ये काम इबादत करूँगा, और अगर ये काम तू नहीं करेगा तो मैं इबादत नहीं करूँगा। तो ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए, तरजीह नहीं है। चुनांचे सहाबा किराम में इधर इस किस्म का रिवाज नहीं था कि वो मन्नतें माना करें। अल्लाह ताला के हुजूर अब्दियत और बंदगी का तकाजा है कि इंसान अल्लाह के हुजूर जो मुमकिन हो वो करता रहे, इबादत करता रहे, तब एतकाफ़ होता है वो कर ले कुछ दिन का, और उम्रे पे जा सकता है वो चला जाए, या अपने ऊपर इस तरह की चीज़ें इस तरह से मान के करना, एक तो ये पसंदीदा दीन में नहीं है। अब सवाल मेरा इस सिलसिले में आपकी खिदमत में, आपने फरमाया कि पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन हम जब कुरान करीम में देखते हैं तो वहाँ पर यह फरमाया जा रहा है कि अपनी नज़रों को पूरा करो जी, तो कुरान करीम फिर ये नज़रों की बात जो करता है वो किस कॉन्टेक्स में? वो इस कॉन्टेक्स में कि अगर किसी ने नज़र मान ली है तो उसको फिर पूरा करे वो, यानी नज़र पूरा करना उस पर लाजिम है। ठीक है। लेकिन जिस आम तौर पे लोग जो नज़र मानते हैं ना, वो इस तरह मानते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ये करूँगा। तो एक रिवायत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़र मानने से तकदीर नहीं बदलती, अलबत्ता बखील के पास से कुछ माल निकल आता है। सुभान अल्लाह। इससे उलमा ने इसकी रोशनी में लिखा है कि ये जो नज़र मान कर अमल करना, जैसे हमारे यहाँ मैंने देखा पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत रिवाज है, तो नज़र के बारे में उलमा की मजमूई राय है, एक तो ये कि इसका रिवाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर काम में आप नज़र मान रहे हैं, मन्नत मान रहे हैं, ये हुआ तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इसका मतलब ये एक बज़ाहिर एक मफहूम मुखालिफ ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला के साथ बंदगी का इजहार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। अगर एक शख्स यानी एक मर्द या औरत या अल्लाह ताला से बंदगी का इजहार, जो आपने बात फरमाई कि बंदगी का इजहार भी हो रहा है कि ए अल्लाह तू मेरे बीमार बेटे को शिफा दे दे, शिफा तुझी से मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, लेकिन अगर इसको शिफा मिल गई और तूने मेरी दुआ कबूल कर ली तो मैं 7 रोज़े रखूँगा या रखूँगी, या मैं 10 अफराद को खाना खिलाऊँगा या खिलाऊँगी, तो इसको पसंदीदा निगाह से? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये काम गुना नहीं है, ये अच्छा काम है, सवाब है, लेकिन मन्नत मान के कामों को करना, इसमें एक तरह का शायबा ये होता है कि आदमी ये कह रहा है कि ये काम मेरा होगा तो मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, चाहे रोज़ा रखना हो, कुछ भी हो, लिहाजा इसको मिनहाइसुल मजमू दीन ने बहुत ज़्यादा इस माना में पसंद नहीं किया है कि आप हर काम में मन्नत माने। जैसे सलातुल हाजत है, हुक्म है कि सलातुल हाजत पढ़ो, तो सलातुल हाजत आप रोज़ाना भी पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं होती, पसंदीदा भी है, लेकिन आप ये देखें कि कितनी दफ़ा मन्नत सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानी, एक तो ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक आम मसला हमारे सामने आजकल ये आ रहा है कि लोग ऐसी मन्नतें मान लेते हैं जो बसा औकात पूरा करना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह। अब किसी ने मन्नत मानी कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं 10 बकरे अल्लाह की राह में सदका करूँगा,
अब बेटा पैदा हो गया, वो आके कह रहा है कि जी मैं तो एक बकरा नहीं कर सकता, या किसी ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, या ये कहा कि मैं 10 साल तक हजर उम्रा करूँगा, अब वो परेशान बैठे आकर के जी हम तो 1 साल भी नहीं कर पा रहे हैं, या सारी ज़िंदगी रोज़ा कैसे रखें। इस वजह से अपने आप को इस तरह से मशक्क़तों में डालना या इस तरह से चीज़ें करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस बात को बहुत ज़्यादा जिसे कहते तरगीब दी हो या इसकी तरफ तवज्जो दिलाए, ऐसा नहीं हुआ। इंसान को कोशिश ही करनी चाहिए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करे, मन्नत भी मांगता है मांगे, लेकिन मिन हैसुल मजमू ज़िंदगी में ये ना हो। हमारे यहाँ मन्नतों के हवाले से आए दिन सवालात आ रहे होते हैं, और बहुत सारे हमारे जो खुसूसन जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ तो एक उमूमी रिवाज है, वो मज़ारों पे जाते हैं वहाँ मन्नत मान लेते हैं, मस्जिद में जाके मन्नत मान लेते हैं, हरम शरीफ में जाके मन्नत मान के आ जाते हैं कि मैं यहाँ पर 2000 नफिले पढ़ूंगा हरम शरीफ में अगर मेरे यहाँ बैठ। अब वो 2000 नफिले पढ़ने के लिए कैसे आए वहाँ पर दोबारा, ज़िंदगी में उनके लिए बसा अवकात आना मुश्किल होता है, आजकल तो और अखराज ज़्यादा हो गए। तो ऐसी मशक्क़त वाली मन्नतें मानने के बजाय इंसान 2 रकात सलातुल हाजत रोज़ पढ़ ले, 2 रकात अल्लाह के हुजूर पढ़ा करे नफिल, कि परवरदिगार मैं नफिल पढ़ता हूँ तो मेरी ये चीज़ अता फरमा दे, तो ये ज़्यादा काबिल तरजीह अमल है बजाय इसके कि आप मन्नत माने या कोई बड़ी मन्नत माने या कोई मुश्किल मन्नत माने। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मन्नत मानना नाजायज़ है, मन्नत अगर मानी है तो उसका पूरा करना वाजिब है, लेकिन एक ऐसा रिवाज डालना और फिर उसके पर अमल करना मुश्किल होना, उसके पर बहुत सारे मसाइल का खड़ा हो जाना, तो इससे बेहतर है कि ऐसा ना करें। जो इस्तेतात में वो करते रहें, सलातुल हाजत पढ़ते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह ताला अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, अगला सवाल है शफीकुर रहमान साहब का एबटाबाद से। उनका सवाल यह है कि सूरह फातिहा की रोशनी में हिदायत की कितनी किस्में हैं ये फरमाइए, और इनाम याफ्ता लोगों से कौन मुराद हैं, और मग़दूब अलैहिम से कौन मुराद हैं, दौललीन से कौन मुराद हैं, इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल है अनीक साहब जी, थोड़ा तफसील तलब तो है, बहुत थीसिस है पूरा। हाँ, पूरा थीसिस है ये। मुख्तसर सी मैं बातें अर्ज कर देता हूँ कि सूरह फातिहा जो है, जिसका जो कह लें कि कुरान करीम की जो, अगर आप पहली सूरत खोल के कुरान करीम का पैगाम पढ़ना चाहें तो अल्लाह ने ये सूरत रखी है। जी हाँ। इसके अंदर इंसान अल्लाह को मुखातब करता है, यानी अल्लाह से पहले अल्लाह की तारीफ बयान करता है, फिर अल्लाह से हिदायत मांगता है, और इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सीधी राह सुझा दे। जी। और सीधी राह की तारीफ़ क्या करते हैं कि सिरात अल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला से हिदायत मांगी है वो मिन हैसुल मजमू, एक मजमूई हिदायत का सवाल है वो, और वो हिदायत जो अल्लाह तक ले जाती हो, चूँकि सिरात मुस्तकीम कहा ही उस हिदायत को गया है जो अल्लाह ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया तो उन लोगों का रास्ता। अब इनाम अल्लाह ने किन पर किया, कुरान करीम की एक दूसरी आयत हमें बताती है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया है उनके मजमूई तौर पर अल्लाह ने 4 गरोह बयान फरमाए, नबी, और नंबर 2 सिद्दीक, नंबर 3 शुहदा, नंबर 3 सालिहीन। ये वो लोग हैं, और ये हज़रत आदम अलैहि सलाम से ता क़यामत जो उम्मत चली आ रही हैं, मुस्तकिल मुख्तलिफ उम्मतें हैं, हर उम्मत के अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने नबी भी रखे हैं, सहाबा हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम के हवारीन का जिक्र आता है, तो उनके साथ सिद्दीक भी हैं, उनके साथ शुहदा भी हैं, उनके साथ सालिहीन भी हैं। ये जिस रास्ते पर चले हैं, अल्लाह सुबहानहू व तआला से बंदा कुरान करीम पढ़ के उस रास्ते पर चलना मांगता है। वो रास्ता किस चीज़ का है, वो रास्ता है तौहीद का, क्योंकि अगली सूरत अलबकरा के अंदर फ़ौरन शुरू हो जाता है वो, कि वह बिलाखरत युमयोकिन, वह है तौहीद का, वह है ईमान बिलाखरत का, वह है ईमान बिलरिसालत का। हाँ। कि इनके ऊपर ईमान लाना, अल्लाह को एक मानना, आखरत पर यकीन रखना, और जिन पर ईमान ला रहे हो उनके बताए हुए तरीके पर चलना। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान करीम में एक और जगह इरशाद फरमाया कि आप ऐलान कर दीजिए, वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ, ये मेरा रास्ता है। इसी तरीके से कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रास्ते पर रखा है उसके लिए फरमाया सुम्मा जालना का आला शरीयति मिनल अमरी फत्तबिहा, कि ए नबी हमने आपको अहकामात के एक रास्ते पर डाला है बस आप उसकी इत्तबा कीजिए, पैरवी कीजिए। तो जिस रास्ते और जिस तरीके पर नबी चलता है वो तरीक वो रास्ता वो तरीका सिरात लजीना अनमत अलैहिम होता है और हर उम्मत के लिए वही रास्ता है। यानी उस उम्मत के नबी जिस रास्ते पर चल रहे हैं यकीनन सिद्दीक और शुहदा और सालिहीन भी उसी रास्ते पर चलेंगे। थोड़ी तफसील में थोड़ा इजमाल में फ़र्क होगा लेकिन मिनहिसुल मजमू एक ही रास्ता होगा। चुनांचा उस रास्ते को अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बंदों से कहा है कि तुम अल्लाह के पास जब सबसे पहले हाजिर हो तो हम्द व सना के बाद सबसे पहली नेमत ये मांगो कि इस दुनिया में आने के बाद जो तेरी तख्लीक का मकसद है हमें इस रास्ते पर बरकरार रख। अनम तालीम, अब पनाह किस चीज़ से मांगी गई कि रास्ते अल्लाह तुबाना व ताला ने चूँकि दुनिया के अंदर तख्लीक करते वक्त अल्लाह ताला ने हदीना हुन नजदैन का भी कह दिया, शैतान भी पैदा फरमाया, फअलहमहा फजूरहा व तकवाहा भी, तो साथ ये भी फरमाया कि इनका रास्ता मांगो और पनाह मांगो कि इनके रास्ते से जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं। अब इससे मुराद हर उम्मत के अंदर ऐसे तबकात रहे हैं जो मगजूबी अलैहिम है, लेकिन हम बनी इसराइल की जब हम बात करते हैं तो अहले किताब में से एक गरोह मगजूबी अलैहिम और एक अब्दालीन कहा जाता है, जिन लोगों पर अल्लाह की तरफ से किसी किस्म का इज्तिमाई या इनफरादी अजाब आया या जिनसे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपनी नाराज़गी का अपने गज़ब का इजहार किया, वो लोग वो हैं जो कि रास्ते से न सिर्फ हटे बल्कि सरकशी भी की, बगावत भी की, अल्लाह के मुकाबले में खड़े हुए भी हो, जिनके लिए कुरान करीम में एक ताबीर है ज़ालिका बिअन्नहुम शाक्कु अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह के मुकाबले में आकर खड़े हो गए, अल्लाह की बगावत की, अम्बिया को कत्ल किया, तहरीफ की। तो अल्लाह ताला उनके इस अमल की वजह से सिर्फ यही नहीं था कि वो गुमराह थे, गुमराह तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस अमल की वजह से अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फिर उनसे अपना इजहार नाराज़गी फरमा दिया और उन पर गज़ब। तो गज़ब नाज़िल होने से मुराद है कि अल्लाह का उन पर गुस्सा है। ये ठीक है कि दुनिया को क़यामत तक चूँकि बरकरार रखना है तो अल्लाह ने उनको मोहलत दी हुई है, लेकिन ये हैं गुमराह, रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा, भटक गए, इधर उधर जा रहे हैं, और ये हैं गुमराह और मगजूबी अलीम। तो मगजूबी अलीम जो है वो गुमराह तो होते ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर गुमराह मगजूबी अलीम इस माना में हो कि अल्लाह का गज़ब ये है कि वो रास्ता ही नहीं जानता, जहालत है उसमें, टामक टोलियाँ मार रहा है। अल्लाह का इस माना में तो अल्लाह की नाराज़गी उससे है कि कुरान करीम अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं कि वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता। तो अगर कोई कुफ्र के रास्ते पर है तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। लेकिन एक होता है सिर्फ राज़ी न होना, एक होता है राज़ी न होने के साथ साथ उस पर गज़बनाक होना, ये लोग बागी हैं। और चुनांचा आप देखें ये जो अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर आज तक का जायज़ा लें और आज भी अनीक साहब आज जिस दौर में हम दौर हाज़िर में ज़िंदा हैं ऐसे लोग हैं जो मगजूबी अलैहिम कह सकते हैं आप, जो अल्लाह के मुकाबले में खड़े होते हैं, अल्लाह के दीन को पीछे करने की कोशिश करते हैं, खुदा बेजारी करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर आज तक आप देखें तो अम्बिया का ऐसे लोगों के साथ मुकाबला रहा, वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो इस्तेहज़ा करते हैं, वो उनके खिलाफ लड़ते हैं, उनको कत्ल करते हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं, उनसे जंगें करते हैं। तो ये लोग वो होते हैं कि फिर अल्लाह सुबहानहू व तआला उन पर जो है ना उन पर अल्लाह का गज़ब आता है। फिर इसके अंदर कुरान करीम में एक ताबीर है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला उनसे गज़बनाक भी होता है और उन पर लानत भी करता है, ग़ज़ब अल्लाहु अलैहिम और उन पर लानत भी करता है। फिर बाद रिवायत में कुरान करीम की बाद आयत में इशारा मिलता है कि फिर अल्लाह उनसे इतना गज़बनाक और इतना लान कर देता है कि उनमें से बास को मस्ख भी कर देता है, जाला मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, उन्हें बंदर बना देता है, बंदर बना देता है, सूअर बना देता है। तो इससे मालूम यह हुआ कि गुमराह जो है अल्लाह सुबहानहू व तआला ने पनाह मंगवाई है इससे बंदों से कि न सिर्फ ये कि जो लोग रास्ते से हट गए उनसे बचो बल्कि जो रास्ते से हट गए हैं बागी हैं, सरकश हैं और खुदा के मुकाबले में खड़े हैं और खुदा का उन पर गज़ब नाजिल हुआ है, इनके रास्ते से हटना। सुबहानअल्लाह मुफ्ती साहब, अब यहाँ पर इस बात को ज़रा सा और खोल लेते हैं। यहाँ पर गैर मगदूब के हवाले से आपने बात फरमाई, उससे पहले हिदायत की आपने बात फरमाई, हदैना हूँ नजदैन की बात फरमाई, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गए कि हिदायत और हिदायत वही जो अल्लाह की जानिब से आए। इंसान का ज़हन हिदायत को तख्लीक नहीं कर सकता, अक्ल एक हद तक काम करती है, अक्ल की हद जहाँ ख़त्म होती है वही की हद वहाँ से शुरू होती है। आपने गैर मगदूब के हवाले से बात फरमाई, यानी ये कौन लोग हैं, ये यहूद हैं जिनके ताल्लुक से आपने पूरी गुफ्तगू फरमाई।
इन्हीं यहूद के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कुरान करीम में कि या बनी इसराइल अज़कुरु नेमते अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाहु अकबर, मकाम कितना बुलंद, अल्लाह ने इन्हें आलमीन में फजीलत दी, फिर इनकी हरकतें, अल्लाह ताला ने इनको माजूल कर दिया और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूर कर दिया। अल्लाहु अकबर, हम में कुछ खूबियाँ, हमारा इख्तिसास ज़रा वो बयान फरमा दीजिए, और उससे पहले ये फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक उम्मत को जिसको तमाम उम्मतों पर आलमीन पर फजीलत दे रहा है, अन्नी फद्दल तो कुम अलल आलमीन, उन्हें माजूल क्यों कर रहा है, उनके गुनाह उनके जरायम क्या थे, और कहीं हम तो उस तरफ नहीं जा रहे। अनीक साहब, ये जो सवाल आपका है बहुत बड़ा सवाल है, और कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुतअद्दिद जगह इस बात की तरफ इशारा किया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम की ज़बानी कहलवाया उनसे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कि उनसे कहिए आप इस जाला फीकुम अंबिया व जालकुम मुलूका, कि तुम्हें अल्लाह ने नबी भी दिए यानी कि सियादत दीनी भी तुम्हारे में थी, वो जालकुम मुलूका तुम्हें बादशाह बनाया, सियादत दुनिया भी तुम्हें दी, और आगे क्या जुमला फरमाया, वो आताकुम मालम युति हदम मिनल आलमीन, तुम्हें वो कुछ दिया जो आलमीन में किसी को नहीं दिया। लेकिन क्या किया इन्होंने, वो जो कुरान करीम में एक शख्स का जिक्र आता है ना कि हमने उसको आयात का इल्म दिया, फनसलखा मिनहा, उसमें से निकल गया वो। तो अल्लाह सुबहान व ताला इनके जब जरायम का जिक्र करते हैं और इसके अंदर हलाल और हराम का जिक्र करते हैं, हराम को हलाल कर लेना, अंबिया का कत्ल करना, अंबिया के मुकाबले में खड़ा होना, मुस्तकिल जरायम का करते रहना, और कुरान करीम में एक जो हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहि सलाम की ज़बानी अल्लाह ने कौम पर लानत फरमाई है, तो उसके लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, कानू ला यतनाहू अन मुनकर फालू, ये अब उल्टे गुनाह के कामों से रुकते ही नहीं थे, किए जाते हैं किए जाते हैं किए जाते हैं, यानी कि सदियां बीत गई हैं किए जा रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ की ज्यादती कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के साथ कर रहे हैं, और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, यानी कि अगर आप जायज़ा लें तो तकरीबन कोई 550 साल की इनकी तहरीरी तौर पर तारीख मौजूद है अंबिया को तंग करने की, बल्कि कत्ल करने की जिज करने की, और उनसे खड़े मुंह होकर सामने बैठ कर ये कहने की कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातना, हमसे ये सब काम नहीं होता, और ये सामने सामने कह रहे हैं हमसे ये काम नहीं होता, और मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और जाके लड़ ले, हम तो नहीं हटेंगे, और दूसरी एक और बात कि जब निकल कर आते हैं नबी के साथ तो कहते हैं कि ये इज़ अल्लाना इलाहन कमा लहुम आलिहा, यानी नबी की सारी जिंदगी की मेहनत है तौहीद, और वो जरा सा बाहर निकल के कहते हैं कि मूसा ये बछड़ा बड़ा अच्छा सा है, ये इसका भी ये भी एक बोल है खुदा है, हमारा भी कोई खुदा बना दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी आप पूरी ज़िंदगी देखें जिसे जिच करना तंग करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो साजिशें रही, आपको कत्ल करने की कोशिश, आपको जहर देने की कोशिश, आपको पहचानने के बावजूद यारिफ़ुनहु कमा यारिफ़ुन अबनाअहुम, ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते, उसके बावजूद इनकार, ये वो चीज़ें हैं कि जब ये जमा हुई तो अल्लाह ताला ने उनको उस मनसब से उतारा, वो सियादतें उनकी दीनी उनसे ले ली, और ये बात इसका इदराक उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद हुआ कि हमसे सियादतें दीनी भी गई, हमसे सियादतें दुनियावी भी गई, और वो लेने के बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला किसी और को लाकर बिठा देता है। और ये कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि अगर तुम में से कोई दीन से हट जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ याअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, तुम में से अगर कोई अल्लाह रस्ते से फिर जाता है तो मतलब अल्लाह पर कोई तुम्हारा एहसान नहीं है कि तुम ईमान लाए हो तो चलो जी बड़ा, अगर रस्ते से कोई फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ये अल्लाह की जो शान बेनियाजी है उसका यहाँ पर एक इजहार है, ये अल्लाह की शान बेनियाजी का इजहार था, अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें उतारी, उन पर अंबिया इकराम उनमें उतारे, 70,000 अंबिया का जिक्र आता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा नाम इनको दिया गया, बनी इसराइल, लेकिन उन्होंने क्या किया। और आज भी अगर अनीक साहब ये बात कहते हुए अफसोस होता है कि अगर खुदा बेजारी, अंबिया की तौहीन, खुदा के अहकाम के खिलाफ सबसे आगे आगे होने वाली अकवाम में आप देखें तो वो अकवाम है जिनको अहले किताब कहते हैं,
ये है वो मकजूबी अलहिम वाले मामलात कि बगावत खुदा के मुकाबले में खड़ा होना, खुदा बेजारी के अंदर आप सबसे आगे आगे हों, इलाहत के अंदर सबसे आगे आप हों, खुदा बेजारी में सबसे आगे आप हों, तौहीन अंबिया में सबसे आगे आप हों, ठीक, ये वो चीज़ है जो अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। ऐसी कौमें हैं जो गुमराह थी, ऐसी कौमें हैं जो कि किसी पूजा पाठ में लगी हुई थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो मकजूबी अलैहिम इस माना में इस हद तक हैं कि अल्लाह उनके अमल से राज़ी नहीं, लेकिन वो खुदा के आगे पीठ ठोक के खड़े हों और ऐसे खड़े हो जाएं कि नबियों की तौहीन करें, नबियों की बगावत करें, नबियों को पहचानते हुए इनकार करें, ये जुर्म इस तरफ ज़्यादा हुआ है। इसलिए अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना तो इनका रास्ता अल्लाह को पसंद है ना दालीन का रास्ता पसंद है, पसंद है उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और अल्लाह से मांगना ही चाहिए कि परवरदिगार इस रास्ते की तरफ हमें हिदायत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो आपने गैरिल मकदूब अलैहिम की बात हो गई, वलद्दालीन पर मैं चाहता हूँ थोड़ी गुफ्तगु आप उस वही फरमाएं, और जो एक सवाल मैंने रखा था आपकी खिदमत में कि हम क्या कर रहे हैं, हम बनी इसराइल की तरफ ये बातें मंसूब कर देते हैं लेकिन हमें कुछ नसीहत हासिल हो रही है, ला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला। इनके जराय में एक जुर्म यह भी था कि ये अपनी किताब यानी तौरात, तौरात की आयात को बेच देते थे, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम मेरी आयात को इतनी कम कीमत पे बेच देते हो, कहीं हम तो इसमें मुलविस नहीं हैं। उससे पहले वलद्दालीन, ये कौन लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हो गए? भटके हुए लोग वो थे जिनको अल्लाह ने वही भेजी, अम्बिया आए, तालीम की, लेकिन अम्बिया की तालीमात को पसे पुछ डाल दिया, फिर अम्बिया की तालीमात को पसे पुछ डाल के कुछ लोग शिर्क में चले गए, कुछ लोग जो है वो अम्बिया की अहकामात को पीछे डाल के हलाल और हराम के उसमें चले गए। आम तौर पर इन लोगों को गुमराह इस माना में कहा गया कि ये हिदायत के रास्ते से हट गए, ठीक, तो इस माना में जो हिदायत के रास्ते से हटता है अल्लाह उससे भी नाराज़ होता है, ठीक है, लेकिन जो मकजूबी अलहिम वाले हैं उसके मुकाबले में इसने कि इन लोगों के यहाँ अमूमी तौर पर बगावत की वो कैफियत, खुदा बेजारी की, अम्बिया दुश्मनी की, अम्बिया के मुकाबले में खड़े होने की, यानी कि शाक़ुल्लाह व रसूल की कैफियत जो उस घरों में थी, ठीक, वो इस घरों में नहीं है। सुभान अल्लाह, इस वजह से ही ये बात हो रही है, मसीह के लिए कहा गया, और बाज़ मुफस्सिरीन इसमें लिखते हैं कि ये पिछली अकवाम में भी ऐसे रहे, हाँ। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ। कि जो हिदायत के रास्ते से हट गए, और खुदा बेजारी उनमें इस माना में नहीं है, मसलन उनमें यानी कि वो खुदा बेजारी नहीं इस तरह से नहीं करते, तौहीन इस तरह से नहीं करते, ठीक है, लेकिन हिदायत पर भी नहीं है, ठीक है। कुरान करीम उनके ताल्लुक से बहुत नरमी का इजहार करता है, हम ये देखते हैं कि कुरान करीम मसीहियों के ताल्लुक से, मसीहियों के ताल्लुक से कुरान करीम ने किसीन रोहबान अन्नहुम ला यस्तकबिरून वाली बात की है, तारीफ की है, जी ये रातों को उठते हैं, रातों को भी उठते हैं, ये चीज़ तारीफ की है कुरान करीम ने, और इसकी बिना से मजमू वजह समझ में आती है कि जिसे कहते हैं कि कमज़ोर, इनकी गिरफ्त दीन पर कमज़ोर है, और मामलात बाज़ ऐसे सख्त हो गए कि जिसके नतीजे में दीन पर, जैसे खुद कुरान करीम में जो है वह रहबानियत के बारे में फरमाया कि माँ कतबना है अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, इन्होंने ये रहबानियत की, हमने तो इन पर लाजिम नहीं की थी, इन्होंने इख्तियार की, लेकिन फमा रऊहा हक रियायत, इतना सख्त मेयार बना लिया कि उसका हक अदा ना कर पाए, तो ये कमज़ोरियों की वजह से अपने असल रास्ते से डगमगा गए, जो अल्लाह की हिदायत वाला रास्ता से इधर चले गए, हलाल चीज़ें, बहुत सारी हराम चीज़ें थी उनको हलाल कर लिया, बहुत सारी लाजिम चीज़ें थी उनको पसे पुछ डाल लिया, तो इनके लिए कुरान करीम ने भटके हुए का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, रास्ते से भटका हुआ आदमी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और अगर अनीक साहब इस मिसाल को देखें ना, तो बड़ा समझ में आता है कि आप जा रहे हैं, एक आदमी रास्ते से भटक गया, आपने समझा भी रास्ते पर जाओ, उसने कहा अच्छा ये रास्ता मुझे पता नहीं चला, या ये कि मेरा ख्याल है ये रास्ता सही है, और एक आदमी जिसका रास्ता सिर्फ समझाते हैं वो कहते हैं नहीं मैं तो इस पर आऊँगा नहीं, मैं तो इधर जाऊँगा, तुम्हारा रास्ता रास्ता ही नहीं है, तो आप इस आदमी पर गुस्से में आते हैं, आप कहते हैं किस किस्म का आदमी है भाई, हिदायत समझाओ तो ये लड़ने मरने को तैयार हो रहा है, और उसकी अकल पर मातम करते हैं कि किस कदर बेवकूफ़ आदमी है, देखो मैं समझा रहा हूँ समझ नहीं रहा, वो बेवकूफ़ आदमी काबिल रहम होता है, ये बागी आदमी काबिल रहम नहीं होता, काबिल तर्स नहीं होता, आपको इसमें गुस्सा होता है, यही कैफियत है इन दो तरह के गरोहों की, जो रास्ते से भटक तो गए हैं लेकिन एक बगावत का आलम उठाए हुए और अम्बिया को खुदा की तकसीम को कुछ मानने को तैयार नहीं है, और एक वो है कि जो भटक गया है और बस वो अपने भटके में मामले में खुश है, ठीक है, तो उनके लिए फरमाया कि वलद्दालीन गुमराह। अब इसमें जो आपका सवाल है जो आज के दौर से रिलेवेंस है, जी हम इस तरह की आयात को पढ़ के समझते हैं कि जी पुरानी कौमों के बारे में, यकीनन पुरानी अकवाम के बारे में, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सबक है, क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग नहीं हैं आज
कि जो वलद दालीन में आते हों या ऐसे लोग नहीं है कि जो ऐसी हरकतें करते हों कि मकदूबी अलीम में आ जाएं। इसका जवाब है कि जब हम बात चीज़ें देखते हैं तो हमें शुबा यकीनन बल्कि यकीन होने लगता है, सिर्फ गुमान नहीं होता कि बाद लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, अल्लाह के मुकाबले में बगावत करके खड़े होते हैं और तावीलात करते हैं हलाल हराम के बारे में। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पेशींगोई फरमाई है इस उम्मत के बारे में अपनी, कि आहिस्ता आहिस्ता इस उम्मत के हालात भी ऐसे होने लगेंगे कि ये पिछली उम्मतों की तरह जो गलत सलत काम है वो करेंगे। लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुमसे जो पिछले लोग गुजरे हैं तुम उनकी पैरवी में उल्टे सीधे काम करोगे, हत्ता कि अगर वो गोह के बिल में घुसेंगे जाकर तुम भी वहाँ घुसोगे। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जब दीन के रस्ते से इंसान हटेगा तो उसके लिए इन सारी चीज़ों में ना बड़ा एक जिसे कहते हैं दिलचस्पी नज़र आएगी, अट्रैक्शन होगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ें, ये क्या हम पता नहीं किन कामों में लगे हुए थे। जब उस रस्ते पर जाएंगे तो उनकी पैरवी करेंगे तो नतीजे में उनके हाथ में गुमराही आती है। बस अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर बड़ा एहसान फरमाया कि इस उम्मत के ईमान की परख जो है ना वो कौल को रख दिया। अगर अमल को रख देते ना तो शायद ही कोई आदमी इसमें कामयाब होता। अगर कोई शख्स जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो फरमा दिया कि ये मोमिन है। अगर अमल उसका ख़राब भी है, अमल की बुनियाद पर किसी के ईमान को नहीं परखा जाएगा, बशर्ते कि उसका अमल सराहतन बगावत ना हो। एक आदमी गुनाहगार है, अमल के अतबार से कमज़ोर है, नमाज के मामले में कमज़ोर है, हलाल हराम में कमज़ोर, आपने पूछा तुम मोमिन, उसने कहा जी मोमिन हो, तो हमारा दीन हमें हुक्म देता है ये मोमिन है। ये अल्लाह का करम है कि उसने कह दिया चलो भाई कोई जमानी दावा भी करे तो उसको इसी दायरे में रखना। सुभानअल्लाह। अगर अमल वाला होता तो नहीं साहब बड़े सख्त मामला हो जाते। अलग बात है कि क़यामत में अल्लाह ताला जो भी देखेगा वो तो फिर है, कोई कुरान करीम अल्लाह सुभानहू व तआला ने फरमा दिया है कि ऐसा नहीं है ला कि सब कुछ छोड़ देगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, बकदरे इस्तेआत उससे सवाल ज़रूर होगा। लेकिन आज भी हमारे माशरे में जो भी दावा इस्लाम करेगा कलमा पढ़ेगा वो मुसलमान है, सुभानअल्लाह। लेकिन अगर उसका अमल ऐसा है कि जो बगावत के मुतरादिफ़ है तो फिर हम उसके अमल की मुखालफत ज़रूर करेंगे। अब अगर एक शख्स है जो कि खालिसतन हराम चीज़ को हलाल कराने पर तुला हुआ है और वो दावा करता है मैं मोमिन हूँ, हम उसके दावे को कबूल करेंगे। लेकिन कभी कभी ये गुमान होने लगता है शायद ही मुनाफिकीन या निफाक वालों का एक नया तरीका है कि एक मुसलमान माशरे में जम रहने के लिए दावा इस्लाम तो करो मगर इस्लाम के तमाम मबादी तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई आवाज़ उठाते रहो, चाहे वो हलाल और हराम के हवाले से बात हो, चाहे वो सूद के हवाले से बात हो, चाहे वो और अल्लाह ने जो हलाल और हराम के मेयारात मुकर्रर किए अल्लाह और उसके रसूल ने उसके खिलाफ हो। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग हो सकते हैं जो वलद दालीन के तहत आते हों, क्योंकि वो अगरचे दावा इस्लाम करते हैं और हम उनको मुसलमान ही कहेंगे जब तक वो दावा करेंगे, लेकिन उनका अमल, उनका कौल, उनका फेल, उनके तरीक़ेकार। अब एक आदमी खड़ा होकर अगर ये बात कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि कुरान पर अमल आज के दौर में मुमकिन नहीं है, तो ये कैसे मुसलमान है? या वो कहता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं अब तालीमात को अखलाकी हैसियत देता हूँ, कानून नहीं समझता। तो फिर यहाँ पर हमारे सामने सवाल आना शुरू होता है कि जब तक के वो आदमी अपने आप को सराहतन इस्लाम से इनकार नहीं करता हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी इन बातों के नतीजे में हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये आदमी गुमराह है। चुनांचे इसी के नतीजे में फ़ुकहाए किराम ने और इल्मे कलाम के जो हज़रात हैं और अकायद के, फिर उन्होंने अपने यहाँ तफसीलात की कि बाज़ लोग ज़िंदीक होते हैं, बाज़ लोग गुमराह होते हैं। यानी अगर बरचा वो दावे के अंदर जो है वो इस मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन हम उनमें से कुछ को ज़िंदीक भी कहेंगे, कुछ को हम बिदाती कहेंगे, कुछ को हम गुमराह कहेंगे। आज के दौर में ऐसे लोग हैं और बदकिस्मती से हमारे मुसलमान माशरे में ऐसे लोग बहुत ज़म हैं जो बसा अवकात ऐसी फ़िक्र फैलाने की कोशिश करते हैं कि दीन अजकार रफ्ता चीज़ है, कुरान पर अमल करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस मुसलमान होने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान कहो, लेकिन कानून साजी हर चीज़ का इख्तियार हमारे पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हमारे मुल्क में अक्सरियत इस बात को नहीं मानती, अक्सरियत इस बात की कायल है कि कुरान और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे लिए जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है ना कि मेरी उम्मत की अक्सरियत कभी गुमराही पर यकजा नहीं होगी। अल्लाह ताला ने अल्लाह के अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत अता फरमाई, चुनांचे अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेमतें गिनवाई है इस उम्मत में उसमें ये भी गिनवाई है कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, ये भी गिनवाई है कि मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करता रहेगा जो दीन को तरोताज़ा रखेगा, ये भी है कि अल्लाह ताला ऐसी जमात जिंदा रखेगा क़यामत तक जो कि हक़ पर कायम रहेगी, मुख्तलिफ़ शक्लों में होगी। वो इस वजह से दीन जो है
वो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला इस उम्मत में कभी भी रूब जवाल ये जिसे हम कहते हैं कि पसे पर्दा नहीं जाएगा जैसे पिछली उम्मतों में चला गया रहेगा, लेकिन कमज़ोरी बाहर आएगी। तो हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। वहन का लफ्ज़ आया, साहब इकराम ने उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन से आपकी क्या मुराद है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत रच बस जाएगी, मौत से तुम्हें बेदारी पैदा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि तुम में फिर कमज़ोरी पैदा हो गई, अब तुम जो है वो दुनिया को तरजीह दोगे, दीन को पीछे डालोगे। ये कमज़ोरियाँ तो आएंगी, लेकिन हलाल को हराम करार देने वाले उम्मत में मजमूई तौर पर पैदा हो जाए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो एक बात इस प्रोग्राम के जरिए अनीस साहब हमारा पैगाम जाता है वो ये है कि ये सारी बातें अपनी जगह, ये हमें ज़रूर देखते रहना चाहिए कि हम हिजबुल्लाह में हैं या हिजबुल शैतान में, चाहे हम अमल के एतबार से कमज़ोर हों लेकिन रहें हिजबुल्लाह में। ठीक, अगर हम अमल के एतबार से कमज़ोर हैं हिजबुल्लाह में तो इसका मतलब है हम तौबा भी करते हैं, रुजू इल्लाह भी करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है, मुशरिकीन मक्का के बारे में फरमा दिया कि वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अंत फीहिम, वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम व हुम यस्तगफिरून, कि अगर वो इस्तगफार करते रहेंगे तो अल्लाह उन पर अज़ाब नहीं उतारेगा। यानी कि इस्तगफार चाहे एक मुशरिक भी कर रहा है लेकिन वो खुदा को खुदा जान के कर रहा है तो उसके लिए भी अज़ाब का सबब बन सकता है। तो इससे मुराद ये है कि अमल के एतबार से आप नाकिस हैं लेकिन हैं मोमिन और रुजू इल्लाह है आपके अंदर, अल्लाह की तरफ रुजू है, अपने गुनाहों का इदराक एतराफ़ है। बागियों में मखज़ूब अलैन में आप जाके नहीं खड़े हुए सफ़ में, हिजबुल्लाह में खड़े तो नजात है, अगर हिजबु शैतान में खड़े तो मामला सख्त है। और दूसरी बात यह कि हिजबु शैतान में होना चाहे आर्जी तौर पर उनको गलबा ही क्यों ना हासिल हो, ये कोई कमाल नहीं है। ये तो इस दुनिया की हद तक है, वही जो आपने बात की वला तश्तरू बि आयाती समनन खलीला, अल्लाह के इससे मुराद सिर्फ यही नहीं है कि आयात को भेजना, यानी कि खुदा के हुक्म का पसे पुछ डाल के दूसरी चीज़ को आप आगे ले आए और आप समझते हैं कि ये अजकार रफ्ता चीज़ है वो सही चीज़ है। तो हमें हमेशा अपने इख्तलाफात और अपने लड़ाई झगड़ों के बावजूद एक छतरी के तहत रहना है, वो छतरी का नाम है उलाइक हिजबुल्लाह, और उस छतरी में नहीं जाना है जिसके लिए कुरान करीम ने कहा उलाइक हिजबु शैतान अला इन हिजबु शैतान हुमुल खासिरून, यानी कि शैतान का जो गरोह है वो नतीजतन घाटे में ही रहेगा। और शैतान की चालों को समझते रहना चाहिए, और हर अहद का शैतान नई चालों के साथ आता है। मुफ्ती साहब दो सवाल लेते हैं यहाँ से, उसके बाद ठीक है वीडियो क्वेश्चंस। अच्छा, सवाल मुश्ताक साहब का ये है, सिंपल सवाल है बस, लेकिन लंबा कर दिया उन्होंने। उसका खुलासा ये है कि इनके एक दोस्त थे जिन्हें वो बहुत अच्छा समझते थे, कुछ अरसे बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो बड़ी बुराइयों में मुब्तला हैं, उन्होंने अपनी एक तवील अरसे की दोस्ती ख़त्म कर दी कि ये तो कुछ और थे। तो अब उनके जहन में ये बात आ रही है कि मैंने अपने दोस्त को कि जो उन्होंने कहा है कि जो अच्छाई का लबादा ओढ़कर घूमते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनको मैंने छोड़ दिया है, तो क्या मेरा अमल बिल्कुल ठीक है? देखिए नीक साहब, ये इस पर मुनहसर है कि वो दोस्त जो इनके अच्छाई के लबादा उड़ के फिरते थे क्या उनकी इस्लाह उनको मुमकिन नज़र आती थी या नहीं। अच्छा, और दूसरा ये कि क्या उनके साथ रहने में इनको ज़्यादा नुकसान तो नहीं था। अब अगर ये समझते हैं कि वो साहब इन मामलात में इतना आगे हैं कि उनको समझाना बेकार है, यानी मसलन फ़र्ज़ करें, मुझे नहीं तफसील मालूम, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनके ये साहब थे कि ज़मीनों पर कब्ज़ा करना और कारोबार में लोगों के साथ धोखादही का काम करते थे, इन पर कुछ अरसे बाद जाके ये रास फाश हुआ कि ये साहब तो बड़े ख़तरनाक धोखेबाज और बहुत बड़े लैंड ग्रेबर हैं। अब इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इनके साथ ताल्लुक़ रखने का कोई हासिल नहीं है, ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, ये जिस किस्म के निज़ाम में जकड़ गए, तो फिर इनको ऐसी सूरत में फिर उनके साथ ये भी इनको इम्कान लगता हो कि मुझे इस शख्स की ज़ात से नुकसान पहुंच सकता है साथ रहने से, तो फिर ताल्लुक तोड़ने में की तो शरण गुंजाइश है, गुंजाइश है। अलबत्ता अगर किसी दर्जे में इनको इम्कान है कि नहीं मेरी बात से कोई फ़ायदा हो जाए, मैं उसके हक़ में दुआ करूँगा, उसके लिए करूँगा, तो फिर ताल्लुक इनको मुनक़ते नहीं करना चाहिए, कम कर दें। अगर ये महीने में एक दफ़ा मिला करते थे तो 6 महीने में मिलें, ठीक है। और एक बात मैं ज़रूर इंसर्ट करूँगा कि जो इनके दोस्त थे, बहरहाल एक मुसलमान हैं और एक हमारे इनके दोस्त हैं, इनके हक़ में दुआ करें नमाज के बाद ना,
यानी कि दोस्ती का कम से कम हक तो ही बनता है जी, कि उनके लिए दुआ करें कि परवरदिगार मेरे इल्म में है कि ये आदमी गलत कामों में है, अल्लाह तो उसकी हिदायत दे, गलत कामों से निकाल दे। हो सकता है कि इनकी दुआ असर कर जाए। एक हमारे बुजुर्ग हमें एक बड़ी बात की तलकीन करते थे जो तजुर्बे से साबित हुई है कि बसा औकात इंसान दुआ मांग रहा होता है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, उसको नजर ही नहीं कुछ आता। कहता मैं तो सालों से दुआ मांग रहा हूँ। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे दुआ मत छोड़ो, मांगते रहो, बसा औकात उसका असर 20 साल बाद दिखता है। तो आप दुआ जरूर मांगे, आपको कुछ भी नहीं नजर आता, आप दुआ मांगते रहे कि अल्लाह, हो सकता है कि उनके नसीब में हिदायत दी और नसीहत करते रहे, नसीहत करते रहे खैर ख्वाही के साथ, कोई अच्छी बात भेज दी। आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए आपने एक मैसेज भेज दिया, कोई हदीस भेज दी, कोई बात कर दी, सिर्फ नियत ये हो, थोड़े अरसे में वो आदमी भी जान जाएगा कि इसका मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरे अल्लाह के लिए जी, बिल्कुल, और इसका ये बस खैर ख्वाह है, मेरा खैर ख्वाह है। तो इस वजह से हमारे यहाँ हमारे जो बड़े हैं मशायख बुजुर्ग की तलकीन करते हैं कि मुमकिन तौर पर ताल्लुक मत तोड़ो, कम कर दो शर का, किसी इसका है तो कम कर दो, और उसके ऐब की पर्दापोशी करें बजाय इसके छुपाने के कि ऐसा फ्रॉडिया था मैंने छोड़ दिया। उसके हक में दुआ करें कि भाई मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक था, ये ताल्लुक मेरा बरकरार रहेगा, लेकिन इन इन चीजों से मुझे इख्तलाफ है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। सुभान अल्लाह। तो दोनों में से देख लें जो तरीका हो, ठीक है, जो उसकी बुराई है उससे नफरत करें, लेकिन उस आदमी से नफरत ना करें, उससे मिलते रहें और खैर की तालीम देते रहें उसे, खास तौर पर अपने किरदार से, और यकीनन सच्चाई जगह बना लेती है। नौमान साहब का सवाल है आपकी खिदमत में कि ये जो बारिश का पानी बाज़ औक़ात खड़ा हो जाता है गली महल्ले में, क्या ये पाक होता है? अगर ये पानी लग जाए कपड़ों पर तो उसके बाद क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? बारिश के पानी के बारे में उसूल याद रखें कि अगर उसमें कोई निजासत की अलामत पाई जाती है तो वो नापाक है। अच्छा, यानी फ़र्ज़ करें कि गली में पानी खड़ा हुआ है और आपके इल्म में कि यहाँ पर जो है वो गंदगी भी पड़ी होती है, कभी कभी गटर का पानी भी बह जाता है, तो फिर इस सूरत में इस पानी को हम गलत समझेंगे। अच्छा, लेकिन अलामत होनी चाहिए। वैसे जो बारिश का पानी खड़ा होता है तो आमतौर पर बारिश के बाद बहुत पानी बह भी चुका होता है, तो अमूमन वो पानी नापाक नहीं होता, मटियाला होता है, गदला होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाद दफ़ा वो कोई इलाके में कचरा वचरा पड़ा है तो उससे वो ज़्यादा काले रंग का बन जाता है, स्याही माइल हो जाता है। जब तक कि उसमें कोई निजासत की निशानी ना हो उसको तब पाक समझे, पाक है, पाक समझे। ठीक है, अगर पानी लग भी गया कपड़ों पर तो हम नमाज पढ़ सकते पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कुछ वीडियो क्वेश्चंस मुफ्ती साहब की खिदमत में। पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि सियासतदानों की इखलाकी पस्ती का जिम्मेदार कौन है? या अल्लाह, अच्छा एक बात ये है इस सवाल में ये है कि सियासतदानों की अखलाकी पस्ती का जिम्मेदार कौन है, ये तय कैसे कर लिया इन्होंने कि सियासतदान अखलाकी तौर पर पस्त हैं? ये मैं बात अर्ज करने वाला था कि सियासतदानों की अखलाकी पस्ती ज़्यादा नुमाया ज़्यादा हो जाती है, वरना अखलाकी पस्ती हमारे हर तबके में आ गई है जी। और अखलाकी पस्ती का ज़िम्मेदार इंसानी माशरा ख़ुद होता है, ठीक, और धीरे धीरे अखलाकी पस्ती आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक तबका ख़राब हो बाकी सारे तबके ठीक हो, हर तबके में कोई ना कोई पस्ती। सियासतदानों के पास क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत काहिरा जिसे हम कहते हैं, पावर जी, साथ साथ उनके पास दौलत भी होती है, तो जब ताकत और दौलत दोनों जमा हो जाए तो फिर इंसान के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, यानी कि बहुत इसके पास इख्तियारात होते हैं, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। सियासतदानों में हर तबके में, नीसा भी बिल्कुल तयशुदा बात है, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान का कोई भी तबका आप उठा लें, ब्यूरोक्रेसी उठाएँ, सियासतदानों को उठाएँ, इस्टेब्लिशमेंट को उठाएँ, फ़ौज को उठाएँ, अदलिया को उठाएँ, बड़े आपको अल्लाह वाले तहज्जुद गुजार लोग भी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप समझते हो कि सारा मुआशरा ऐसे ही है, सियासतदानों में इधर उधर हर जगह आपको बड़े नेक साले लोग मिलते हैं, और ये भी है कि इन सारे तबकों में बड़े ख़राब लोग भी मौजूद हैं। जो सवाल है वो करने का ये है कि हमारे माशरे के अंदर बदअखलाकी, बदउनवानी ये गालिब होती जा रही है और खैर मगलूब है, खैर का इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल मौजूद है, हर तबके में मौजूद है, लेकिन मिलहिसुल मजमू गलबा पाया जा, गलबा आता जा रहा है बुराई के कामों को और आहिस्ता आहिस्ता हर तबके में घुसता जा रहा है। जो तबका आप उठाएं वहाँ पर एक नित नई बात आके खड़ी होती है, मेडिकल वालों को उठाएं तो डॉक्टरों के बारे में लोग पूछते हैं कि ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उलमा के तबके को उठाएं वहाँ पर लोग सवालात उठाते हैं, और भी जिस तरह आप चले जाएँ तो देखिए ये बात है कि अखलाकी जो जवाल होता है सबसे ख़राब चीज़ होती है माशरे का, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया, इदा लम तस्तहि फस्ना माशेता,
हया ख़त्म हो जाए। यहाँ हया से मुराद सिर्फ ये वाली हया नहीं कि जो सतर से मुतालिक होती है, बल्कि इससे मजमूई हया और मुरव्वत मुराद है। यानी मैं अगर आज आपसे कहूँ अनीक साहब क्या फ़लाँ काम करें, आप कहते हैं भाई अच्छा नहीं लगता, लोग देखेंगे कि भाई मैं एक प्रोग्राम दीनी करता हूँ और मैं ये काम करूँ। ये जिस वजह से आप रुक रहे हैं ना, ये एक हिजाब है और हया है। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए तो आप कहते हैं मुझे क्या परवाह है, मैं अगर किसी कौम का लीडर हूँ या मैं ब्यूरोक्रेसी में किसी बड़े मनसब पे हूँ या मैं अदलिया में बैठा हूँ या मैं उलमा के तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई बात नहीं, कोई मुझे बुरा समझता है समझता है, मैं तो अपना काम करूँगा। ये है वो कैफियत जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हया, हिजाब, मुरव्वत, लिहाज उनमें से उठ जाए फिर तो तुम जो चाहे करो। तो असल बात यह है कि जब हया, लिहाज, मुरव्वत, सबसे बड़ा तो खुदा का होता है, तो इंसान को तन्हाई में भी गुनाह से रोकता है। दूसरे नंबर पे माशरे का होता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे। वही जो बात अनीक साहब एक प्रोग्राम में हम पिछले दिनों कर रहे थे, आपने ये बात याद दिलाई थी कि एक वक्त था कि गलत पैसा कमाने वाले, रिश्वत कमाने वाले के पास लोग अपने बच्चों को जाने नहीं देते थे। कहते थे मेरा बेटा आज फलां के घर में खाना खा के कैसे आ गया, आज से 25 साल पहले ही होता। उन बच्चों को रिश्वत खोर वालदैन के बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, खेलने नहीं देते। और आज जो है माशी तौर पर ये हो गया कि भाई अगर एक आदमी पैसे वाला है वो चाहे उसने हराम से कमाया हो, रिश्वत से कमाया, ये वो चीज है कि जो धीरे धीरे अखलाक रिश्वत जिन घरों में आती है उन घरों में रिश्ते भी हो जाते हैं, बेटी उनके घर में ब्याह दी जाती है। ये, कैसे ये, जबकि ये मालूम है कि इस घर में रिश्वत की रकम आती है। ये वो अखलाकी जवाल है जिसके नतीजे में ये तमाम बुराइयां आज थे। चूंकि अखलाकी जवाल की जो उलमा ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात लिखी है कि अखलाकी जवाल क्या होता है, अखलाकी जवाल ये होता है कि बुराई आप बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाए। आज से 25 साल पहले बाज बुराइयां हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, आज हो रही हैं। समझौता कर लिया, ये है समझौता जी। इसके लिए दीन में एक इस्तेमाल इस्तेमाल होती है मुदाहनत, अल्लाह हु अकबर, ये मुदाहनत पैदा हो जाती है कि चलो ये भी ठीक है वो भी। इसके नतीजे में फिर जवाल आना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि सियासतदानों की चीजें ज्यादा नजर आती हैं, जो सब जगह होते हैं। हर तबका जवाल का शिकार है और तवज्जो देनी चाहिए, अखलाक और ये चीज़ें पैदा करने की ज़रूरत है। सिर्फ कानूनी तौर पर ना चलें चीज़ों पर, अखलाक भी कोई चीज़ होती है, मुरव्वत भी कोई चीज़ होती है। और हकीकत यानी साहब जो आँख बंद होती है तो इंसान सोचता है कि मैं पता नहीं क्या कुछ करता रहा, काम पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। इस वजह से ये सवाल इनका अच्छा है, लेकिन सिर्फ सियासतदानों हर से मुतालिक है, अपने गिरेबान में झाँकें और दीन पर अमल की कोशिश करें, अखलाकियात पर अमल की कोशिश करें, यही तलकीन कर सकते हैं। बेहतरीन, एक सवाल और ले लेते हैं जनाबे वाला, अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी से कुरान पाक गिर जाता है तो इस सूरत में फिदिया देना ज़रूरी है या हम अल्लाह ताला से सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं? बेध्यानी में अगर कुरान करीम या कोई ऐसी दीनी किताब गिर जाए तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम उसको उठा के चूम के रखते हैं। ये चूम के रखना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ताज़ीम के इजहार के तौर पर तो ये काफ़ी है, इसके अंदर कोई फिदिया देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स के दिल में ये बात आती है कि मुझसे बेहतियाती हो गई तो मैं अल्लाह की राह में कुछ सदका भी कर दूँ, 100, 50, 20, 25 जो भी है, तो कोई हर्ज की बात नहीं कर सकता है। लेकिन वैसे कोई फिदिया देना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह से तौबा कर दे, अल्लाह बेध्यानी में मुझसे हुआ, मेरे कोई इरादा तो नहीं था, तो बेध्यानी में गिर गया है। तो जाहिर सी बात है कि बेध्यानी में ख़तान किए जाने वाले कामों पर दीन में वैसे ही मुआवजा नहीं है, और अगर एक इंसान तौबा भी कर लेता है कि अल्लाह मुझसे बेध्यानी में सरज़द हुआ तो ये काफ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपने ये बात फरमाई कि बेध्यानी में या कोई ख़ता हो गई या भूल से कोई चीज़ हो गई तो उसकी पकड़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ सिखा दी हमें कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, कि उसके लिए भी अल्लाह से दुआ मांगे हैं कि अल्लाह ताला वहाँ भी हमारा मुआवजा ना कर कि जो हमसे बेध्यानी में कोई ख़ता सरजद अगर हो गई हो तो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए और वो हज़्ब रिवायत आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। ख़वातीन हज़रात हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये चार दिन कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है और कुरान करीम की इन आयात को हम लम्हे मौजूद यानी अहद हाजिर से जोड़ते हैं कि कुरान करीम की आयात हमसे आज क्या मुखातबत कर रही हैं और हमें किस किस तरह किस किस अंदाज में हिदायत और रोशनी फराहम कर रही हैं। जुम्मा और हफ्ता दो दिन सवाल जवाब के लिए आपके सवालात
और अपने अहद के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन और हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कॉल पर, और वो कॉल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहु का। आप फरमाते हैं कि अगर इंसान में थोड़ा सा अदब हो तो वो बहुत से नसबी फजाइल से अच्छा है, अगर इंसान में थोड़ा सा अदब हो तो वो बहुत से नसबी फजाइल से अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहरों पर